हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर्स टीवी। मैं हूं अमृता बिश्नोई एंड आज हम आपको एक बहुत ही स्पेशल मेरे दिल से जुड़े हुए फूड पॉइंट पे लेके आए हैं, क्योंकि मैं अपना पूरा बचपन से अभी तक यहां पे पता नहीं कितनी बार आ चुकी हूं। तो आज हम आए हैं तुलाराम रसगुल्ले वाले के यहाँ, जो कि है नगीना में। ये डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में पड़ता है, वेस्ट यूपी में। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं यहाँ के रसगुल्ले। एंड वैसे तो मुझे पता है कि बहुत टेस्टी है, क्योंकि सोच के ही मेरे मुंह में पानी भर रहा है इस टाइम। एंड यहाँ पे रसगुल्ले, हम समोसे, यहाँ की स्पेशलिटी जो यहाँ का दही है, रायता, वो सब टेस्ट करने वाले हैं। और ब्रेकफास्ट यहाँ पे बहुत ही यमी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन तो बाहर भी बेचते हैं आप? बाहर नहीं बेचते, शादियों वगैरह में कहीं अपना सेल्फ। अच्छा, तो यहाँ पे आपका क्या टाइमिंग रहता है दुकान का? टाइम को 3:30 पे खुलती है सुबह। अच्छा, 3:30 बजे खुल जाती है? हाँ, 12:30 बजे तक खुलती है रात में। अच्छा, 1 बजे तक। हाँ, फिर बीच में तैयारी के लिए? हाँ, फिर तैयारी होती है अगले दिन के लिए। चलिए बढ़िया। नहीं, यहाँ पे तो हम देखते हैं हमेशा बहुत भीड़ रहती है और गाड़ियाँ भी रुकती हैं लेने के लिए, तो नहीं अच्छा है। तो चलिए हम यहाँ का टेस्ट करते हैं एक बार रसगुल्ला। जरूर, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, पर मैं इसकी चाट बना के खाऊंगी। सबसे पहले आप समोसा देखिए, समोसे में जो फिलिंग है बहुत ज़्यादा स्पाइसी, देखने में ही देखिए बहुत गर्म है समोसा। मैं इसमें डालूंगी ठंडी ठंडी दही, ये रायता है फूदी का, बहुत ही थिक है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके ऊपर चटनी, समोसा गर्म है एंड दही जैसे रायता है, उसके साथ ही इतना टेस्टी लगता है दोस्तों। चटनी एकदम पतली है पर इतनी टेस्टी है बहुत। ये एक ऐसी डिश है, यहाँ पे रुकते हुए आप कभी भी खा सकते हैं किसी भी टाइम, और यहाँ के तो टाइमिंग इतने ज़्यादा अच्छे हैं, ये ऑलमोस्ट 24/7 होते हैं। नेक्स्ट हम इसका रसगुल्ला ट्राई करेंगे। वैसे मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि मैं बहुत सालों से ये खाती आ रही हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ज़रा सा स्पून लगाते ही ये कैसे टूट रहा है, इतना ज़्यादा फ्लफी और सॉफ्ट।
इवन चू करने तक की जरूरत नहीं है, फिर खुल जाता है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। दोस्तों मैं आपसे ये रसगुल्ला मतलब गुलाब जामुन, क्योंकि तुलाराम रसगुल्ले वाले के नाम से जाना जाता है, तो अगर आपने ये गुलाब जामुन ट्राई नहीं किया है तो आपने वर्ल्ड में मतलब आपने एग्जैक्ट क्या टेस्ट होता है गुलाब जामुन का वो तो आज तक जाना ही नहीं है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए, यहाँ पे टेस्ट कीजिए। अगर आप कहीं भी घूमने जाते हैं यहाँ पे रुकिए और इसको टेस्ट कीजिए। दोस्तों अब मैं अपने ब्रेकफास्ट पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। दोस्तों यहाँ तुलाराम रसगुल्ले वाले के नाम से और भी शॉप्स हैं, पर जो सबसे ज़्यादा चलने वाली एंड जहाँ का गुलाब जामुन एंड समोसा सबसे ज़्यादा फेमस है वो स्वर्गीय लाला तुलाराम जी के बड़े बेटे की दुकान है। हमने आपको यहीं के गुलाब जामुन और समोसे का रिव्यू दिया है। तो दोस्तों आज का ब्रेकफास्ट तो बहुत मज़ेदार रहा। मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। कभी उत्तराखंड का आपका वीकेंड गेटअवे हो या फिर कहीं भी आपका जाना हो तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको यहाँ का एड्रेस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अविज़न टीवी। बाय।